हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नया क्लास। तो आज के क्लास में हम फिर से, आज हमारा 12वां क्लास है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लास 11 लास्ट का हमारा था, ये क्लास 11। आज हमारा क्लास 12 है, तो इसे हम क्लास 12 को समझेंगे, सीखेंगे। जो ये रूम हम कंप्लीट कर रहे थे, इसे कंप्लीट करेंगे और अच्छे से। तो एंड आज कोशिश करेंगे आज लाइटिंग भी करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऐसा कुछ मैंने आज का क्लास 12 के नाम से सेव कर लिया मैंने। एंड अब हम इसमें कुछ टेक्चर्स लगाने हैं, कुछ चीजें हैं, तो उसे कंप्लीट करते हैं, देन लाइटिंग सेटअप लगाएंगे। एंड एक और इम्पोर्टेंट कि सबसे पहले तो आज जैसा कि मैं लाइटिंग भी सोच रहा हूँ करूँ, क्योंकि सब कुछ लगभग मैंने, अगर मैं यहाँ से जाऊँ डिटेल कैड के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैंने स्टडी के लिए ये जोन बना दिया, सीटिंग सब कुछ हो गया है हमारा। तो अब हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि मुझे किस कैमरे के अकॉर्डिंग रेंडर किस एंगल से निकालना है। अच्छा, ये दूसरा वाला रूम का आ रहा है, ये इस रूम का है। तो ये रूम हमने बनाया, इधर ये लिविंग एरिया एंड डाइनिंग, एंड इधर ये अब हम रूम बना रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ से जाते हैं, यहाँ से ऑफ करते हैं, तो हमें ये कैमरा जो हम यूज कर रहे हैं मिल जाता है यहाँ यहाँ। अब हम इसी कैमरा को मान लो यहाँ पे कॉपी करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा कुछ इसे भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए कोई नहीं, फिलहाल मैंने इसे कॉपी किया और ऐसा कुछ मैं इस एरिया में रखता हूँ इसे, एंड 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 नहीं रखता हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ पे सब कुछ आप अच्छे से देखो। यहाँ से मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने बाहर रखा है, अब मैं अगर सी करूँ तो ये देखिए, ये इसके बाद का दिखा रहा है आपको। मैंने बता रखा है पहले भी, अगर आप जो लोग रेगुलर देख रहे हैं उनको पता होगा कि ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है सीन दिखाना, इसलिए ऐसा कुछ कट रहा है। जैसे जैसे मैं बैक करूँगा चीज़ें दिखेंगी, ये रेड लाइन के अकॉर्डिंग, तो वो मैंने बता रखा है। अभी मैं फ़िलहाल इसे ऑफ करने जा रहा हूँ, और ये होता है यहाँ पर आपका इनेबल कर रखा है मैंने क्लिपिंग मास्क। तो इस क्लिपिंग मास्क को फिलहाल मैंने बंद कर दिया, एंड इस कैमरे को मैं, अब देखिए यहाँ पे अब कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ से, अब अंदर का। तो मैं यहाँ कॉर्नर पे सेट करूँगा, देखिए यहाँ मैं इस कॉर्नर पे जहाँ से भी मुझे रेंडर निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिसाइड करना है कि हमें रेंडर किस एंगल से देना है। उसी के अकॉर्डिंग आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने डिज़ाइंस को बनाओगे या कुछ भी करोगे। तो एक तो है इसमें आपको क्या एंगल से ये सेट बैठ रहा है, क्या हम इस रूम को किसी एंगल से ऐसा कुछ निकाल सकते हैं, तो देखते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये मैंने बंद कर दिया, एंड अब हम यहाँ पे जाएंगे। एक तो FOV आप ऐसा कुछ करके निकालते हो, देखिए एक तो ये होता है, ये देखिए ऐसा कुछ, एंड दूसरा आप इसे ऑफ कर दो तो फोकल लेंथ आप ऐसा कुछ। अब इसमें आप जितना ज़्यादा कर रहे थे तो पूरा आपको स्पेस दिख रहा था, इसको ऑफ कर देते हो तो इसे कम से कम रखने में ऐसा कुछ दिखता है। तो अभी मैं, चलो फोकल लेंथ को यूज करते हैं, ठीक है। एंड अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसा कुछ थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे हम इसको ऐसे लाइन को ले जाते हैं इसका, ऐसा कुछ, एंड इसे हम रखते हैं फिलहाल यहाँ पर, ये देखिए। अच्छा, ये पर्दे को यहाँ, चलो थोड़ी देर के लिए हम इसे हाइड कर देते हैं पर्दों को, क्योंकि जो कैमरा हम आज जिस कैमरे से काम करने वाले हैं उसमें वो दिखना नहीं है, वो चीज़ें अभी नहीं दिखेंगी। देन ऐसा कुछ हम अनहाइड करके सारा कुछ, सॉरी फिर से पर्दे वगैरह आ गए, तो इसे और इसे ऑफ कर दो। चलो अब देखो आपका पूरा रूम आपका अब दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका अच्छे से सब कुछ पता चल रहा है कि आप क्या किस एरिया का आप रेंडर निकालना चाह रहे हो। एंड दूसरा काम, कैमरा हम यहाँ से ऐसे तो हमारा पूरा कवर हो जाएगा। अब ये काम मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, इस दो एंगल से भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल हम ऐसा कुछ अभी कर रहे हैं, चलिए ठीक है। तो अब हम यहाँ से एंड देन इधर से करेंगे, तो ऐसा कुछ मैं, अगर हम आज कैमरा, पहले तो आज कैमरा ही सेट करते हैं हम सबसे पहले। चलो इधर इस एंगल पे जाते हैं, और यहाँ से हम दूसरा कैमरा, जैसा कि हम बोल रहे थे कि हम निकालेंगे ऐसा कुछ, एंड इस जगह पे हम रखेंगे।
ठीक है। एंड जब हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या करना होगा मुझे, अच्छा मैं ना अब नीचे का ये पहले ऑफ कर देता हूँ, क्या बोलते हैं इसको, जो कैड का हमने लगाया है, देन हमें इसे हाइड करना होगा, तो वार्डरोब वगैरह जो भी है अगर नहीं करेंगे तो वही दिखेगा, तो हमें क्या करना होगा वार्डरोब को ऐसा कुछ हाइड कर देना होगा। तो अब हमारा उस कॉर्नर से हमारा कैमरा जो है ये, अब देखिए विंडो वगैरह बाहर का एरिया दिख रहा है, वो सोफ़ा हालांकि हमने हाइड नहीं किया है इसलिए हमारा ये दिख रहा है। चलिए इसे हम हटा देते हैं, तो बाहर ये ग्रीनरी। तो इस तरह से एक हम कैमरा हम ऐसा कुछ रखेंगे जिसमें ये टेबल है ये सब चीज़ें ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। एक कमरा हम ऐसा कुछ हम कैमरा रखेंगे, ये इधर थोड़ा खाली है कोई बात नहीं क्योंकि ये गेट ऐसे खुलना है ना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ थोड़ा बहुत हम इसे प्ले कर सकते हैं ऐसा कुछ। एंड अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि क्या इस एंगल से हमें देखना, हर एंगल से चाहिए कि बेटर किस एंगल से लग रहा है। मान लो हम इसी कैमरा को यहाँ टेबल के पास ऐसा कुछ ले जाते हैं, ये ऐसा कुछ अनहाइड ऑल अगर हम कर दें तो कैसा लग रहा है, तो ये भी अच्छा लग रहा है नो डाउट। मुझे लग रहा है कि ये भी एक बेटर तरीका होगा, अगर हम कैमरा को और पीछे करें ये भी अच्छा लग रहा है, इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं व्यू, ठीक है। तो हम इस तरह का भी एक व्यू दे सकते हैं, तो इसको हम 17 की जगह पे कम से कम 20 कर दें तो नहीं, यही बेटर है, तो ऐसा कुछ। तो ये कैमरा भी जैसा कि मैं बोल रहा था कि बेटर लग रहा है, अगर हम ये कैमरा यूज करते हैं तो इस वाले को इस कैमरे को हमें, इसमें सब कुछ इधर दिख रहा है, इस कैमरे को हम यहाँ से ले सकते हैं ऐसा कुछ। अभी हम अगर इस कैमरे को यहाँ इस कॉर्नर पे रखें तो क्या होता है देखते हैं। तो हमारा इधर ये सब विंडो ये सब कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है और वार्डरोब भी दिख रहा है थोड़ा सा, हम अगर चाहें तो ऐसा कुछ अगर हम इसे हाइड कर दें, वार्डरोब को अगर हम हाइड कर दें तो क्या होगा, वार्डरोब को अगर हम हाइड कर देते हैं, हालांकि एरिया थोड़ा सा खाली लगेगा लेकिन कोई नहीं, ऐसा कुछ हम वार्डरोब के साथ भी निकाल सकते हैं। हाइड करने पे थोड़ा खाली लग रहा है। एंड दूसरा है कि कैमरा को हम इस तरह से थोड़ा सा सेट करें कि मान लो ऐसा कुछ, हाँ ये पता भी चल रहा है कि यहाँ वार्डरोब है और ज़्यादा ऑड भी नहीं लग रहा है ऐसा कुछ। एंड ये देखिए ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ से हम ये तो एक कैमरा हम ऐसा कुछ सेट करेंगे और दूसरा कैमरा हम यहाँ से सेट कर रहे हैं इस कॉर्नर से, ये दो कैमरा हम यूज करेंगे। चलिए यही दोनों बेटर लग रहा है, हम इसी दो कैमरा से काम करेंगे। तो हमने क्या किया, इस रूम का जो कि लास्ट हमारा हमने मॉडल वगैरह किया, सब मॉडलिंग किया, टेक्चर लगाया, इस कैमरे को हमने सेट कर लिया अपने इस रूम में। अभी फ़िलहाल जैसा कि मैं बता रहा था कि ये है और ये है, ये दोनों कैमरा हमारा ये है और ये, तो कोई भी कैमरा। अभी फ़िलहाल हम एक रेंडर निकालेंगे और लाइटिंग करेंगे और थोड़ा बहुत टेक्चरिंग भी रह रहा है तो वो सब भी हम कभी करने वाले हैं। जैसा कि अभी हम यहाँ पर जाएँ तो टेक्चर्स यहाँ पे देख रहे हैं, मिस करता है क्या, मिस कर रहा है या है, एक बार चेक कर लेते हैं। इस पे जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे भी सेम टेक्चर आएगा जो यहाँ, क्योंकि एक रूम में अलग अलग वुडन टेक्चर बहुत सारे यूज नहीं होते हैं, तो यहाँ पे भी हम सेम वुडन टेक्चर देंगे और
चीज़ों को हम सेट करेंगे अच्छे से। चलो मान लो फिलहाल मैं ये सब क्लिक करता हूँ और इसको कॉल करते हैं हम यहाँ पे। यहाँ देखते हैं कि शायद ये ये देखिए ये सब है। चलिए हो सकता है टेक्सचर मिस ना भी कर रहा हो, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि टेक्सचर मिस नहीं ही कर रहा है, टेक्सचर है प्रॉपर। तो मैं अगर यहाँ जाऊँ ऐसा कुछ, देखिए सब कुछ आ जाएगा आपका। एंड चलिए तो ऐसा कुछ हम यहाँ पे ऐसा कुछ अब हम यहाँ क्लिक करते हैं। अब जैसा कि मुझे इसमें क्या करना है, लाइटिंग वगैरह करना है, तो एक बार हमें सीलिंग को हम करते हैं फिर से हाइट, ठीक है, ये हमने हाइट कर दिया। एंड इस पे हमें टेक्सचर अभी यूज करना है, तो मान लीजिए मैं इसे क्लिक करता हूँ और इसे भी, दोनों को ऐसा कुछ आइसोलेशन में ले लेते हैं। देन जाते हैं हम मॉडिफायर पे, मॉडिफायर पे यहाँ पे, यहाँ जहाँ सा कि ये टेक्सचर शायद कॉल किया हुआ है, ये क्लिक कर देते हैं फिर से एक बार फाइनल उसके लिए। यहाँ पे आप इस टेक्सचर को ऐसा कुछ अप्लाई करो, यहाँ जाओ और यहाँ से UVW मॉडिफायर ऐसा कुछ आप अप्लाई कर दो बॉक्स, ये देखिए ऐसा कुछ। अब देखो ये सीधा सीधा जा रहा है टेक्सचर का, जो हमारा ग्रेन्स है जो बोलेंगे ऐसा कुछ, तो हम इसे सेट करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ। और अगर आपको बिल्कुल सिमिलर चाहिए तो यहाँ से आप अगर मिल सके तो आप ये देखिए UVW जो यहाँ पे है सेम UVW, यहाँ से मैं इसे डिलीट कर दूँ, सेम UVW आप यहाँ पे डाल सकते हो बिल्कुल, ताकि सिमिलर उसका पैटर्न सब कुछ हो जाएगा। ये हो गया। अब इस पे हम कुछ लैपी वगैरह या कुछ छोटा मोटा वो भी डाल सकते हैं एसेसरीज, जिससे कि हमारा और ब्यूटीफाई और सुंदर लगेगा हमारा रूम। चलिए कोई नहीं, अनहाइड ऑल करते हैं हम, वो हम बाद में भी डाल देंगे धीरे धीरे। ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि जैसा कि हमें लाइटिंग एक, अगर हम ऐसा कुछ रेंडर करें सिंगल, तो इस तरह से आपको रेंडर करने करना जरूरी है एक बेसिक, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ हमारा कितना एक डार्क रूम, क्योंकि अभी इस रूम में कुछ भी लाइट नहीं है, तो आपको पता चल रहा है कि बाहर इस कर्टेन की तरफ से जो भी है थोड़ा बहुत लाइट सोर्स है, जिससे कि लाइट आ रहा है आपके रूम में। उसके अलावा, कर्टेन के अलावा और कुछ है ही नहीं आपके इस रूम में लाइट सोर्स। देखिए यहाँ से ये लाइट है जो बाहर से आ रहा है। तो फिलहाल चलिए इतना तो हमें क्लियर हो गया, डार्क सा पूरा हमारा रेंडर आ रहा है। एक बार हम रेंडर, क्योंकि हमें अभी बार बार रेंडर सेटिंग एक बार हम देख लें फिर से, क्योंकि मुझे बार बार HD है यहाँ पे, ये सही है जो कि जल्दी रेंडर निकालेगा हमारा। एंड बाकी सब चेक कर लेते हैं फिर से भी, 300 सब कुछ सही, जल्दी जल्दी हमारा रेंडर निकल जाएगा। लो है सेटिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमने वीरे डिनोइसर लगा रखा है, तो ऐसा कुछ। अब चलिए हम लाइटिंग के लिए पहले यहाँ जाते हैं और अपने सारे लाइट्स को ऑन कर देते हैं। इसे मैं इधर मूव कर दूं एंड ये सब जो भी लाइट्स हैं यूज़ नहीं है इनका, तो हमें क्या करना चाहिए, इन्हें डिलीट कर देना चाहिए। जो भी अनयूज, मतलब जिनका कोई यूज ही नहीं है, उन लाइट्स को रखने का कोई मतलब नहीं बनता है, बेकार में अपना सीन हेवी करना, तो इनको हटाते हैं। ये है हमारा डोम लाइट, जो कि यहाँ पर आप देखो ये डोम लाइट है,
एंड यहाँ पे हम अगर इन्वायरमेंट में जाए, टेक्चर भी हमने लगा रखा है और ये हमारा यहाँ पे सन है। अब हमें क्या करना है, मान लो अगर आप चाहते हो कि इनेबल सन, आप अगर चाहते हो कि बेटर इस रूम को और बेटर बनाना, अच्छा लाइटिंग करना, तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, इस सन को उठा के यहाँ मूव करके लाना है एंड देन इसको ऐसा कुछ रोटेट करके इस एंगल से आपको अब सन दिखाना है कि अंदर आ रहा है ये ऐसा कुछ, ताकि आपका मतलब सुंदर बनाए हमारा एक कोई भी रूम। कुछ भी हम करते हैं तो हमें सबसे मेन होता है कि उसको अच्छा से अच्छा दिखाना, सुंदर से सुंदर। हम शाम का ऐसा कुछ लाइट करेंगे तो ऐसा कुछ थोड़ा इसको नीचे रखते हैं ऐसा, ताकि डायरेक्ट। अब हमने एक सन भी यहाँ दिखा दिया, थोड़ा सा हम टिल्टेड रखते हैं, सीधा रखने का कोशिश नहीं करते हैं, ऐसा कुछ। एक रेंडर फिर से। अब हम देखेंगे कि हमारे रूम में क्या, क्योंकि हमने इस डायरेक्शन से अब सन दे दिया, सन अभी इधर अपोजिट डायरेक्शन से था, तो अब हम देखते हैं अपने सीन में कि क्या चेंजेस आता है हमारे रेंडर में। तो अब देखिए आपका काफी कुछ फर्क पड़ेगा। तो इस तरह से आपको क्लियर करना है कि कहाँ पे आपको कितना ज़्यादा जो है लाइट आ रहा है। देखिए अब क्लियर हो रहा है, काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे अब क्लियर हो रही हैं कि कैसा कुछ आपका रेंडर आ रहा है। ठीक है, ऐसे में अब आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि हल्का हल्का लाइट बाहर से आ रहा है। चलिए इसको हम और इम्प्रूव करते हैं, हम यहाँ से इसको कर देते हैं बंद। अच्छा, इन चीज़ों को मैं हटा देता हूँ क्योंकि इनका अब कोई ज़रूरत यहाँ नहीं है। चलिए तो ये है ऐसा कुछ, अभी हम इसको करते हैं यहाँ से ऐसा कुछ बंद। एंड जैसा कि सीलिंग में अभी हमने कुछ खास कुछ नहीं किया है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा और यहाँ पे ऐसा कुछ एक ड्रॉ करने जा रहा हूँ, फॉल्स सीलिंग टाइप का। तो ये है जिसके जिससे कि बाहर बाहर सिर्फ ऐसा कुछ लाइट आएगा। ये देखिए अभी मैं ये मैन्युअली इसमें बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये ठीक है ऐसा कुछ। एंड यहाँ से मैं इसे, हालांकि ये 1 फीट 10 इंच 1 फीट का ये गैप होता है वॉल से इस फॉल सीलिंग का, और इधर से लाइट निकल रहा होगा अपोजिट साइड, जो कि मैंने शायद यहाँ पे भी किया है, इसमें यहाँ पे मैंने कर रखा है वो लाइटिंग, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। चलिए अभी मैं फिलहाल अभी मैं साइज नहीं लेकर देख रहा हूँ, लेकिन आइडिया से मैं एक आइडिया से ऐसा कुछ गैप दे देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एंड देन इसे थोड़ा सा इधर, हाँ, और मैं एक साइज के लिए तौर पर एक ऐसा कुछ लेके मैं यहाँ पे 1 फीट का मैं लेता हूँ, नहीं 1 फीट का लिया मैंने, लेकिन 10 इंच होगा, ठीक है 10 इंच अगर मैं लूँ तो भी तो वॉल से ठीक ठाक है, तो इतना ही हमें चाहिए, इतना ये वॉल से डिस्टेंस पे हो। एंड यहाँ पे ये हाँ, तो ऐसा कुछ। एंड इसे अब हमें क्या करना है, सीलिंग को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे ऐसा कुछ हम इसे हम करेंगे 1 फीट दे दें या ऐसा कुछ 4 इंच दे दें, ठीक है 4 इंच, देन एक और हम 4 इंच का या 6 इंच का, तो 4 6 10 इंच का ये निकला हुआ ऐसा दिखेगा, 1 इंच से 1 फीट ऐसा कुछ, और इसे हम यहाँ पे ऐसा कुछ टच कर देंगे। एंड इस वाले में इसे हम फिर से थोड़ा सा देखिए अंदर मैनुअली ऐसा कुछ, ये देखिए
ऐसा करके हमने क्या किया, फॉल्स सीलिंग हमने रेडी कर लिया। अब हम ले जाएंगे इसे और टॉप में अपने सीलिंग में ऐसा कुछ, ये देखिए। अब इसे, अब यहाँ पे हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। ऐसा कुछ लाइन ड्रॉ करने के बाद इस लाइन को थोड़ा सा मैं सीधा कर लूं, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे, इसे इनेबल करोगे और यहाँ से आप इसका रेडियस, ठीक है, ऐसा थिकनेस थोड़ा सा दोगे। एंड देन आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ जो है वो सेंटर में हो, ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ हमें सेंटर में रखना है। इस तरह से सेंटर लाइज करके इसे देखिए, ठीक है, यहाँ ये सेंटर में नहीं है तो ऐसा कुछ कर लेंगे। देन आप यहाँ इसे टॉप में सीलिंग में ले जाओगे। और ये क्या है, ये हम दिखा रहे हैं कि जैसे ट्यूबलाइट वगैरह रखा हुआ हो उस पर, उस सेंस में इसे कन्वर्ट टू बस पॉली आपको कर देना है, ठीक है, कन्वर्ट टू पॉली कर दो। अब ये हमारा बन गया सब कुछ, हमें इस पे और इस पे ठीक वही कलर दे देना है, वाइट या जो भी जो सीलिंग में होगा ऐसा कुछ। ये सेम कलर ऐसा कुछ दे देना। एंड देखिए ऐसा कुछ आपका ये लाइट सीलिंग हमने एक बनाया। इसे सेलेक्ट करके जो ये बल्ब जो हम दिखाना चाह रहे हैं, और इसे आप यहाँ से कर दोगे वीरे मेस लाइट, बस क्लिक कर देना है, ये अब लाइट कन्वर्ट लाइट में हो गया। यहाँ पे 30 है, इसको आप 2 कर दो, फिलहाल कम कर दो, 1 या 2 कर दो, टेम्परेचर कर दो, और टेम्परेचर में यहाँ पे आप केल्विन आप 46 ऐसा कुछ। चलो अभी मैं थोड़ा सा वार्म लाइट कर दूँ। अब हम रेंडर निकालेंगे। एक और चीज़ ताकि हमें जल्दी में पता चल जाए कि हमारा जो आउटपुट कैसा आने वाला है, टाइम बहुत ज़्यादा ना लगे, उसके लिए मैं इसे प्रोग्रेसिव करूँगा और इसे मैं कर दूँगा 1 मिनट टाइमिंग सेट है जो पहले से मैं कर रखा हूँ, ये सब चीज़ ताकि जल्दी से रेंडर हमें पता चले। आउटपुट इसमें क्या होता है, पता चल जाता है स्टार्टिंग में ही कि आपका कैसे आने वाला है कैसा। तो अब हम एक ऐसा रेंडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा अब क्लियर हो गया कैसा आउटपुट आने वाला है। ये देखिए आपका लाइट, इस तरह से हमने को लाइट दिया, मुझे लगता है वैल्यू थोड़ा कम करना चाहिए, 1 कर देता हूँ मैं। एंड ये डे लाइट का आपको इफेक्ट आ रहा है। तो आपको पहले इन्वायरमेंट लाइट देना है, देन अंदर आप कोव दो, देन आप स्पॉट वगैरह आप लाइट वगैरह जो यूज करते हैं वो दो। इस तरह से प्रोसेस आपका जाएगा, देन आपका आउटपुट ऑल अपने आप ही बेटर आउटपुट आने लगेगा। ये एक तरीका है, डायरेक्ट पहले अंदर लाइट देना, बाहर बाद में करना, तो उसमें आपकी चीज़ें पहले बाहर, आप बाहरी सोर्स जो लाइट जो आ रहा है आपके रूम में, उस चीज़ को पहले क्लियर करो, उसमें अभी भी कमी है। जैसे कि मैं अगर देखूँ तो यहाँ पर मैं अगर जाऊँ तो यहाँ पर मैं अगर जाता हूँ ऐसा कुछ, मैं इसे थोड़ा सा मूव करता हूँ, बाहर से उतना अच्छा और लाइट नहीं आ रहा है, मुझे और अच्छे से लाइट देना है। तो मुझे क्या करना है, यहां पे इसे लूंगा एंड यहां ऐसा कुछ इस पे जाता हूं मैं, इसे कॉल कराता हूं अपने स्ट्रक्चर को, ये है हमारा, इसमें ये हमने फैब्रिक अभी यूज कर रखा है। अच्छा, इसमें ट्रांसपेरेंसी, इसमें थोड़ा सा हम अगर और ट्रांसपेरेंट करें,
तो यहाँ पे ये हमने फिर से एक बार पिक कर, यहाँ पे ऐसा कुछ पिक कर लिया। एंड इसे पिक करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा जो 90 है इसे मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब हम इसे करते हैं, ये हमने थोड़ा सा इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा दे दिया। एंड देन हम यहाँ पे लाइट, ऐसा कुछ लाइट सोर्स दे रखे हैं, इस वाले को थोड़ा कम कर देते हैं। अब वन एक रेंडर, तो इस तरह से हम लाइट सेट करेंगे। इसका हमने थोड़ा वैल्यू कम कर दिया, ज़्यादा हो रहा था यहाँ से सनलाइट वगैरह है। अभी जैसे ये टेबल लैम्प वगैरह है, यहाँ पे भी लाइट देने का ज़रूरत है, इसके थ्रू भी लाइट निकलेगा। तो उन चीज़ों को देंगे पहले बाहर से एक्सटर्नल सोर्स, इंटरनल बाद सबसे लास्ट में, उस जैसे वो कोव वगैरह, देन ये बल्ब वगैरह कोई कहीं आपने टेबल लैम्प, देन IES लाइट वगैरह यूज करना है। तो इस तरह से हम लाइटिंग करेंगे। अब हमारा फिर आपको आप दिख रहा होगा कि आउटपुट क्या आने वाला है। यहाँ पे हम कर देते हैं इसे कैंसिल, क्योंकि हमें एक आइडिया लग जाता है, ये प्रोग्रेसिव करने पे यही होता है, हमें एक आइडिया लग जाता है कि हमारा क्या आउटपुट आने वाला है। अच्छा, एक और चीज़, हम थोड़ा सा सन लाइट को हम थोड़ा सा वैल्यू, जैसे वन था, अगर हम 0.1 कर दें यहाँ पे, तो एक रेंडर देखते हैं कि कैसा कुछ आता है। बाहर से थोड़ा लाइट सोर्स अब ज़्यादा बढ़ जाएगा सीन में, तो वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बाहर का एनवायरनमेंट चलने लगा हमारा, तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए हमें। अब हम इसे, चलिए 1 था, 0.1 की जगह पे ऐसा कुछ 0.3 कर देते हैं। ये फिर भी बेटर है, अच्छा से यहाँ लाइट का इफेक्ट पड़ रहा है। थोड़ा सा इसे हमें टिल्टेड करने की ज़रूरत है, तो ऐसा कुछ हम थोड़ा सा इसे ऐसा टिल्टेड कर देते हैं। एंड अब जैसा कि हमें यहाँ लाइट सोर्स लगाना है, लाइट ऐड करना है, अच्छा ये सब लाइट भी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है इनका, चलो हटाओ, हम नया लाइट आपको बना कर बताएंगे, तो इन सब लाइट्स का ज़रूरत है नहीं। अभी एक तो है कि हम यहाँ से ये लाइट डायरेक्ट यहाँ पे जैसा दे रखे हैं यही ले लें, लेकिन फिर आप नया प्लेसमेंट, नया क्या रह जाएगा आपको, जो लोग नए देख रहे हैं उनको भी आइडिया लग जाए इसी बारे। तो डोम है यहाँ पे, ये स्फेयर है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा स्फेयर लाइट कोशिश करते हैं यहाँ देने का, ये छोटा सा स्फेयर लाइट। अच्छा, इस लाइट को जो टेबल लैम्प है इसको पकड़ते हैं और ऐसा कुछ ले आते हैं। देन एक चीज़ देखते हैं हम यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हम साइड करके रखें, यहाँ पे एक बल्ब का जैसा कि लग रहा है कि दिया गया है, ये देखिए ये कुछ है, कोई नहीं। हमें क्या करना है, अभी जो हमने ये लाइट लिया है स्फेयर लाइट, इसे ऐसा कुछ थोड़ा छोटा करना है साइज में, एंड यहाँ इसके अंदर, लाइट के अंदर ऐसा कुछ लगाना है। आप चाहो थोड़ा और छोटा कर लो, ज़्यादा हो गया ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ हमने लाइट लगा दिया, इस लाइट को हम फिलहाल 1 रखते हैं, सब स्टार्टिंग में 1 ही रखना है, कम पड़े तो इसे बढ़ाना है। इसे फिर से 4600 एंड, या इसे आप 3600 भी कर सकते हो, ज़्यादा वार्म अगर करना है। एक रेंडर करके देखते हैं,
तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ अभी हमारा रेंडर आ रहा है। यहाँ पे ये बल्ब वगैरह हमने लगा दिया, यहाँ आईएस ऊपर से हो गया, इधर से हमारा एनवायरनमेंट का भी लाइट आ रहा है, तो एक अच्छा लुक अब आने लगा है। यहाँ पेंटिंग वगैरह एक लगा सकते हैं, अच्छा सा पेंटिंग दे सकते हैं वॉल पे, एंड इधर वार्डरोब है तो एक यहाँ पेंटिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से एक लुक एंड फील हम ऐसा कुछ दे सकते हैं। थोड़ा इधर डार्क ज़्यादा हो रहा है, आ जाएगा वो धीरे धीरे निकल के आएगा, और कलर वगैरह करेक्शन का भी ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है कि अभी बिल्कुल डन है, कलर करेक्शन वगैरह करने की ज़रूरत है। ये बहुत एरिया खाली लग रहा है, तो आपको एक एक चीज़ पे ध्यान देना होता है। ऊपर अभी लाइट नहीं लगाया है हमने, तो यहाँ से हमें एक आइडिया लग जाता है इस तरह से प्रोग्रेसिव में करने पे कि और क्या क्या हमें करना है। अब हम इसे बंद कर दें तो ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमें एक चीज़ दिख गया है कि क्या आ रहा है। तो हम यहाँ पे अभी इसे क्लोज करते हैं। सीलिंग में हम सबसे पहले लाइट्स वगैरह लगाते हैं, सीलिंग के लिए पहले मॉडल लगाते हैं। तो यहाँ से आप ऐसा कुछ, जैसे यही मॉडल है तो इसे आप कॉपी कर लोगे, ठीक है, ऐसा कुछ। या अगर जैसे कि अभी कॉपी करने पे प्रॉब्लम वो हुआ, तो ऐसा कुछ मैं कोई एक को यहाँ से ऐसा, अच्छा ये ठीक है, ये ग्रुप, अच्छा ये भी ग्रुप में है, कोई नहीं, तो ऐसा कुछ फ़िलहाल मैं इसे कॉपी करता हूँ। एंड कॉपी करके आप इसे अपने सीन में यहाँ पे लगा सकते हो, इसे सेट करने इस ऐसा कुछ कर लो ताकि ये, अच्छा थोड़ा सा हमें नीचे करना पड़ेगा वो पता चल जाए, यहाँ से आप जा कर के देख भी लो, हाँ ये ठीक है। एंड आप अब जाकर यहाँ प्लेस कर दो, जैसे एक हमने, अब आप यहाँ पे अनहाइड भी कर सकते हो ऐसा कुछ जाके, एक हमें इस कॉर्नर पे देना है, एक लाइट हमें यहाँ इस कॉर्नर पे यहाँ पे देना है, तो इस तरह से आप लाइट को प्लेस करो, ये देखिए ऐसा कुछ, देन आप इसी लाइट को यहाँ पे कॉपी करो, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको मूव करके यहाँ एक सेंटर में इधर भी रखेंगे इस जगह पे, ऐसा कुछ गेट के पास, देन इसको हम थोड़ा सा ऐसा सेंट्रलाइज कर देंगे, एक यहाँ पे भी बीच में ऐसा कुछ, एंड देन ऐसे फिर से लाइट्स को सेलेक्ट करना है, एंड आप यहाँ कॉपी करो ऐसा कुछ ये। तो इस तरह से आप कुछ लाइट्स प्लेस कर दोगे। अब इसमें से एक दो आप इसे ऐसा कुछ कॉपी करके यहाँ पे लगा दो, ये देखिए, तो और चाहते हो अगर आप तो इन तीनों को ऐसा कुछ सेलेक्ट करो, और सिमिलर वो रखना चाहते हो तो ऐसा कुछ आप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पे, एंड ये भी एक्स्ट्रा रहेगा इधर। तो इस तरह से आप प्लेस कर सकते हो, ये देखिए अब लाइट आपने प्लेस कर दिया, अब उसके हिसाब से हम लाइटिंग करेंगे। अब तो इस तरह से यहाँ लाइट, अब सब पेंटिंग का जहाँ तक था, चलिए हम इस वॉल को ऐसा सेलेक्ट करते हैं, सिर्फ वॉल नहीं साथ में हम ऐसा बेड बेड को भी सेलेक्ट करते हैं, एंड देन यहाँ पे हमें पेंटिंग लगाना है। तो पेंटिंग के लिए यहाँ पे आप चाहोगे ऐसा कुछ, और एक बॉक्स आप ऐसा कुछ क्रिएट करोगे, यहाँ आप ऑटो ग्रिड पे क्लिक कर देते हो तो डायरेक्ट आपका वॉल के ऊपर ऐसा कुछ आप डायरेक्ट वॉल के ऊपर प्लेस कर देते हो, ये देखिए। यहाँ से हम साइज, जैसे ये 3 फीट है तो इसको हम 4.5 फीट 5 फीट जो भी हमें लेना है ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ आप इसको थोड़ा सा ज्यादा करके अगर बेड को वो कर लो तो 4.5 इस तरह से, हाँ ये देखो अब यहाँ से आपका प्रॉपर पता चल रहा है सब कुछ,
इस तरह से आपने पेंटिंग लगाया। अब आप यहाँ से कुछ इमेज टेक्सचर्स अच्छे जो भी आपको लगे कि अच्छा है लक्सा लगे लगाना है तो आप वो लगा सकते हो। मान लो फिलहाल जो मैं ये पेंटिंग अभी काफ़ी दे रहा था, अभी मैंने आज कुछ नया तो अभी फ़िलहाल नहीं निकाला है, तो हम चाहे तो इसे भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ हम जाएंगे और अपने सीन में यहाँ पे इस पेंटिंग को लगा सकते हैं। ये देखिए ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ आप लगा सकते हो। एंड यहाँ पे एक थोड़ा सा इसको पतला सा रखना है, तो ये देखिए इस तरह से हमने फ्रेम दिखा दिया। अब हम इस फ्रेम को थोड़ा सा कलर कोशिश करेंगे कि डार्क या ग्रे में चारकोल टाइप ऐसा कुछ कलर दे दें या नॉर्मल ग्रे जैसा कि था पेंटिंग में, तो वैसा कुछ भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ऐसा कुछ मान लो ये वाला कलर दे देते हैं, कोई सिलेक्शन नहीं हो रखा था, अब हम ये कलर दे देते हैं इस पर ऐसा कुछ। थोड़ा सा यहाँ से हम इस पर थोड़ा साइनिंग मान लो 45 एंड फ्रेम पे इसको, हाँ ऐसा कुछ। तो ये हो गया। अब आप देखो ये हमने पेंटिंग लगा दिया, तो इस तरह से हमने काफी चीजें सेट कर दी हैं। इधर हमने ये लगा दिया है। अभी हम सिर्फ एक सिंगल आईएस लाइट, आप कहीं से भी कर सकते हो, मान लो मैं इस सीन से कॉपी कर रहा हूँ, इस आईएस लाइट को मैं ऐसा कुछ कॉपी कर रहा हूँ, ताकि मैं इंस्टेंस अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ का सेटिंग अलग था, यहाँ मुझे कुछ। अब हम एक कॉपी करने के बाद अब इसको हम इंस्टेंस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल पहला जो करेंगे वो इस तरह से कॉपी ही करेंगे। अब यहाँ पे हम यूज करें, अच्छा जरूरी नहीं है कि लाइट के नीचे ही करें, यहाँ भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि ये लाइट थोड़ा रोटेशन वाला भी हो सकता है, जरूरी नहीं यही लाइट हो, थोड़ा सा इसके आसपास इधर भी हम रख सकते हैं ताकि उसके ऊपर जो अंधेरा आ रहा था वो ना आए। यहाँ से हम चाकर इसको सेट कर सकते हैं, हाइट वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे हो, एंड चलो हम इसे यहीं रखते हैं। अब हम इसके सेंटर में यहाँ पे देना चाह रहे हैं लाइट का इफेक्ट, तो ऐसा कुछ। एंड अब एक रेंडर बनता है। अब ये देखिए यहाँ पे हमने क्योंकि सनलाइट को थोड़ा टिल्ट किया, तो जो सनलाइट का इफेक्ट जो ऐसा कुछ आ रहा है पड़ रहा है पूरे पे, तो वो भी अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा देखने में। और ओवरऑल अब हमारा धीरे धीरे सीन निकलेगा। आईएस लाइट जो भी आप यूज करो वो सबसे लास्ट में यूज करो, जहाँ जहाँ आपको लगे थोड़ा डार्क हो रहा है, ज़रूरत है तो उसको यूज करो, यही आपका बेटर तरीका होता है रेंडर करने से पहले। एक और चीज़ जो मुझे मैंने अभी शायद ठीक नहीं किया, यहाँ जो ये प्लेन है क्योंकि मैं इस साइड का निकाल रहा हूँ, तो इसे थोड़ा सा मूव करने की ज़रूरत है ऐसा कुछ, ताकि ये हमारा रेंडर में उतना ना दिखे। एंड इसे क्योंकि इसे मैं यहाँ क्योंकि सनलाइट अभी आ रहा है, तो मैं यहाँ से हटा के फिलहाल अभी मैं आईएस लाइट को एक इस कॉर्नर पे दूँ, या अभी रहने देता हूँ, मैं बाहर ही निकाल देता हूँ। तो उससे अभी मैं विदाउट आईएस लाइट एक रेंडर निकालता हूँ, देन मैं आपको बताऊँगा एक विदाउट आईएस लाइट निकल रहा है, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ कहाँ ज़रूरत होगा प्लेस करने का। अभी मैं विदाउट आईएस लाइट एक अच्छा सा रेंडर निकालते हैं। तो इस तरह से हमारा रेंडर निकल चुका है, बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है,
उसका रीजन है, अभी हालांकि कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है रेंडर, लेकिन थोड़ा नॉइस है। बहुत जल्दी रेंडर हमने निकाला है, सेटिंग कर रखा है जल्दी रेंडर निकालने के लिए। अब देख सकते हो आप, थोड़ा सा हमने 45 पे टिल्टेड किया लाइट सन को, तो ये सन लाइट कैसे यहाँ से ऐसा कुछ पूरे बेड तक पे आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है आपको। एक नेचुरल जो लाइट होता है, कैसे यहाँ पे एक लाइट का सोर्स बन रहा है, इधर से लाइट आ रहा है बाहर से, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे देखना है आपको कि किस जगह पे आपको लाइट एक्स्ट्रा ऐड करना है आईएस लाइट, और कहाँ पे नहीं करना है इन चीज़ों को। जैसे यहाँ एक इस फ्लावर पॉट, इस जगह पे एक ऐसा कुछ आईएस लाइट आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लाइट ऑलरेडी हो गया, एक दो बेड पे कहीं पे, यहाँ पे एक लाइट, यहाँ पे एक लाइट, और एक दो बेड पे इधर, बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। एक यहाँ पे इस कॉर्नर्स पे भी एक आना चाहिए, बस दो चार आईएस लाइट लगाना है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं। तो ये चीज़ है, और थोड़ा बहुत कलर वगैरह की ज़रूरत है, तो उस चीज़ को अब हमें लगता है एक अब हम फाइनल रेंडर लगाएंगे और जो भी आउटपुट आएगा। और इस वाले को जो आज हम रेंडर निकालेंगे, इसमें फोटोशॉप में कैसा कैसे काम करते हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। नेक्स्ट जो मैं क्लास 12 आएगा उसमें फोटोशॉप का भी थोड़ा बहुत इस रूम का काम करेंगे, दिन दूसरे रूम पर चालू करेंगे काम। तो चलिए अब हम इसमें और आगे की तरफ कुछ इसको मैं यहाँ से थोड़ा ऐड कर लेता हूँ, ताकि हमें पता चल जाएगा जो भी इम्प्रूव हो रहा है या नहीं। एक बार मैं हिस्ट्री ऐड कर लिया, देन हम इसे बंद करते हैं रेंडर को। तो हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। अब जैसा कि ये आईएस लाइट है, इसे मुझे रखना है यहाँ पे, इस जगह पे ऐसा कुछ, ठीक है। एक आईएस लाइट में यहाँ रखूँगा और एक आईएस लाइट में स्पॉट के ऊपर ऐसा कुछ दूंगा, इधर कॉर्नर पे ऐसा कुछ। एंड जहाँ तक इसका उसका बात है, इस क्लॉथ का, मैं इसको देखता हूँ, डार्क फैब्रिक है, इसे थोड़ा सा इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसे इंपोर्ट किया, ब्लिन ये ठीक है ऑप्शन में, ये घर बंद है, इसे भी बंद कर देता हूँ फोक सिस्टम। एंड तो ठीक है, ये सब ठीक है, बाकी लाइट्स का इफेक्ट आएगा तो अपने आप ही बेटर दिखेगा। तो ये है हमारा, एक हमने यहाँ पे आईएस लाइट दिया, बाकी कुछ कमी रहेगा तो हम कुछ नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे, आज हम इतना ही रहने देते हैं। एक यहाँ पे, देन एक हम आईएस लाइट यहाँ इस बीच में ऐसा कुछ यहाँ पे देते हैं, एंड एक यहाँ इसके ऊपर, ठीक है, ऐसा कुछ। एक दो लाइट आप बेड पे भी दे सकते हो, बस इससे ज्यादा लाइट का अब जरूरत है नहीं, इतना लाइट काफी है। मुझे इससे ज्यादा लाइट का जरूरत अभी लग नहीं रहा है कि और कहीं दिया जाए। एंड इतना लाइट काफी है। तो एक बार हम वैल्यू देख लेते हैं, इंटेंसिटी वगैरह, यहाँ से आप चाहो ओपन करो, ग्रुप हमने कर रखा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 65 केल्विन है, जो कि 65 केल्विन बहुत ज़्यादा हमने रख रखा है, तो इसको हम 5000 कर देते हैं, ठीक है, या 46 ऐसा कुछ भी आप रख सकते हो, थोड़ा वार्म अगर लाइट आपको देना है तो। एंड ये 50 है, ये सब ठीक है। तो ऐसा कुछ अभी फ़िलहाल हमारा लाइट का सेटिंग है, एंड फेटिंग ऐड हो गया, बाकी ये सब चीज़ें हैं। अब हम एक फाइनल रेंडर निकालेंगे, अब हम एक फाइनल रेंडर निकालते हैं, जिसको अगर बेटर रहा
कैसा आता है, जो भी अगर थोड़ा बहुत कमी हुआ तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको रेंडर करेंगे, और फोटोशॉप में भी थोड़ा बहुत काम कैसे करना है वो करेंगे। एक यहाँ जैसा कि मैं बोल रहा था एक लैपी डालना है, तो उसके लिए हम यहाँ इम्पोर्ट, इसको एक बार आप सेव कर दो एंड यहाँ पे मैं जाता हूँ मर्ज, और मुझे अपने इसमें लैपटॉप, ये रहा यहाँ पे ये लैपटॉप है, तो हम इसे ओके करते हैं। ये है, अच्छा इसका इसका हमने वो कॉपी नहीं किया टेक्सचर, तो इसलिए टेक्सचर मिस आ रहा है, तो आप टेक्सचर कोशिश करो कि मिस ना हो, उसके लिए यहाँ पे इम्पोर्ट मर्ज, और जैसे ये लैपटॉप है तो इसके अंदर यहाँ जाकर आप ये, अच्छा टेक्सचर यहाँ शो नहीं, ओके क्योंकि यहाँ से टेक्सचर मिलेगा भी नहीं, कोई नहीं, तो फिलहाल हमारा लैपटॉप इंपोर्ट हो गया है। अभी हम इसी लैपटॉप को फिलहाल ऐसा कुछ, कोई नहीं टेक्सचर हम कॉल करा लेंगे, अभी यहाँ पे हम लेकर आते हैं ऐसा कुछ, और इस जगह पे हमें जिस चीज़ पे डालना है लगाना है वहाँ पे हम ये देखिए ऐसा कुछ, इस तरह से। अब जैसे कि टेक्सचर मिस हो रहा है, तो एक तो पहले ही टेक्सचर कॉपी करने का, क्योंकि मैं अभी डायरेक्ट मर्ज के थ्रू गया हूँ, तो कॉपी करने का तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अभी आपको अच्छा हो तो आराम से इसे कॉल करा लो, यहाँ जाओ ऐसा कुछ, और एक ये भी है तरीका कि आप अब वो लिंक ऑलरेडी ले चुका है, तो आप बस उसको ऐसा कुछ करके आप हर एक टेक्सचर को जो इससे रिलेटेड है, अच्छा ये ब्लैक वाला नहीं है, इसमें ग्रे वाले में जाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ जाऊंगा और यहाँ से भी आप ऐसा कुछ कीबोर्ड का, तो इस तरह से आप अपने टेक्सचर्स कॉल करा लो, ताकि लैपी का जो भी आपको चाहिए। एंड यहाँ पे मैं ऐसा कुछ हमने, तो ये है एक, अब हम एक रेंडर लगा रहे हैं और ये रेंडर हम होने देंगे फाइनल, ये रेंडर होगा और नेक्स्ट क्लास में अगर कुछ इम्प्रूव करना हुआ तो वो हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, आज हम इस रूम में लाइटिंग अभी तक इतना किए हैं, जो भी होगा अभी इस रेंडर को हम फाइनल होने देते हैं, आप इस फाइनल रेंडर को होते हुए देखिए एंड नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। नेक्स्ट क्लास जब मैं अपलोड करूँगा तो उसमें फोटोशॉप में कैसे काम करते हैं, अगर कुछ कमियाँ रहीं तो एक और रेंडर कोशिश करेंगे निकालने का, और नहीं तो हम इसमें फोटोशॉप में कैसे आप क्या क्या कर सकते हो। अभी देखिए मैंने लाइट यहाँ प्लेस किया तो कैसे ये थोड़ा सा बेटर हुआ, तो चलिए इस रेंडर को फाइनल होने देते हैं, आज के लिए इतना ही। आप बाकी की क्लासेस अगर जैसे इसी प्लेलिस्ट को अगर देखना चाहते हो तो इंटीरियर का वो भी प्लेलिस्ट यहाँ आइकन से मिलेगा, टिप्स एंड ट्रिक्स के क्लासेस मिल जाएंगे, मॉडिफायर्स सारे मॉडिफायर्स का जो बता रहा हूँ वो मिल जाएगा, मतलब हर तरह का क्लास आपको यहाँ आइकन से मिल जाएगा, और आप चाहो तो चैनल विजिट कर सकते हो ठीक है सीखने के लिए, और नए हो तो चैनल से जुड़ना है, अगर अच्छा लग रहा है तो जुड़ जाइए, अच्छा लगा क्लास तो लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़िए सीखिए। जिनको भी सीखना है सीरियसली सीखना है मॉडलिंग टेक्सचरिंग लाइटिंग 2D मॉडलिंग टेक्सचरिंग क्लासेस 2D ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग ठीक है इलस्ट्रेटर फोटोशॉप जो भी सीखना है सीख सकते हो, तो नए लोग अपडेट हमेशा मिलते रहे इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन क्लिक कर दीजिए ताकि हमेशा आपको अपडेट मिल जाए ठीक है जो भी मैं क्लास अपलोड करूँ, तो सीखिए जुड़िए और सीखिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।
अच्छा, इसको मैंने सेटिंग को मैंने अभी चेंज नहीं किया था, तो अभी मैं एक बार, हालांकि बेटर आउटपुट आ रहा है, अब काफ़ी टाइम लग रहा है लेकिन बेटर आ रहा है, नॉइस फिर भी हो सकता है आ जाए, तो मैं एक बार इस रेंडर को अभी कैंसिल कर रहा हूँ। रीजन कैंसिल करने का, क्योंकि मैं सेटिंग अच्छा नहीं किया हूँ अभी। इसको भी बंद करता हूँ मैं। अब एक फाइनल लगाऊंगा जो कि मैं बकेट करके लगाऊंगा, यहाँ पे मैं बकेट कर देता हूँ। एंड बकेट करने के बाद आप यहाँ पे चीज़ों को, क्योंकि वो 1 मिनट का टाइमिंग हट गया है, और अब मैं लगाऊंगा इसका, यहाँ पे बीरे डिनोइसर भी है, इसको इनेबल जरूर ऑन कर दो, नहीं तो कभी कभी काम नहीं भी करता है। अब हम लगाएंगे इसको फाइनल रेंडर, जो कि थोड़ा टाइम लेगा और रेंडर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कैसा आउटपुट आने वाला है, तो अब हम इंतज़ार करते हैं एक बार फाइनल आउटपुट। अच्छा, एक दो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कॉपी मुझे करना चाहिए, जो कि अभी मुझे इस रेंडर से आइडिया लग गया कि इस एक रेंडर से कि एक दो IS लाइट यहाँ पे मुझे कॉपी करना चाहिए। तो हम इसे थोड़ा सा इसे इधर कर करते हैं, एंड एक दो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉपी कर देते हैं, अब हमारा ठीक रहेगा। तो अब इस तरह से हम रेंडर लगाते हैं और वेट करते हैं रेंडर का। तो इस रेंडर को फाइनल देख लीजिए, फाइनल रेंडर अब ये लग गया है।